नमस्कार, मैं हूं संजय खोकावत और आप देख रहे हैं लेक्सिटी न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसे हॉस्टल से रूबरू करवाएंगे जिसका चौकीदार शराब पीता है और शराब पीकर छात्रों के साथ करता है मारपीट। जी हां, उदयपुर ज़िले के सेमारी में स्थित समाज कल्याण विभाग का हॉस्टल विवादों में आ गया है। हॉस्टल में चल रही अनियमितता की खबर लगातार मिल रही थी। जब हॉस्टल का मौका मुआयना हुआ तो भारी अनियमितता देखने को मिली। छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें लगातार घटिया सामग्री दी जा रही है जिसके चलते उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल में वार्डन नरेंद्र भट्ट आते नहीं हैं और सारा जिम्मा अस्थाई चौकीदार अंकित चौबीसा को दे रखा है। अंकित चौबीसा की माताजी इसी हॉस्टल में रसोई का कार्य करती है, लेकिन धांधली इतनी है कि यहाँ ना रसोईया मिलता है ना ही मिलता है वार्डन। छात्रों ने बताया कि छात्र खुद हॉस्टल में खाना बनाकर खाते हैं, चौकीदार उनके साथ शराब पीकर आता है और शराब पीने के बाद उनके साथ मारपीट करता है, जिसकी जानकारी वार्डन को दी गई थी लेकिन वार्डन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों से मारपीट भी चौकीदार करता है जिसके चलते छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वे हॉस्टल पहुँचे तो चौकीदार नशे में पाया गया और बच्चे अपने लिए खाना बनाते हुए पाए गए। अभिभावकों ने चौकीदार की शिकायत जब पुलिस को दी तो तुरंत चौकीदार को हॉस्टल से निकाल दिया गया और वार्डन को सख्त हिदायत भी दी गई। इस पूरे मामले में वार्डन की भारी लापरवाही सामने आई है, जिस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है अब ये देखने वाली बात होगी। जब इस पूरे मामले की जानकारी BTP पदाधिकारियों को मिली तो वह भी वहाँ पहुँचे और पूरा मौका मुआयना किया। पुलिस भी हॉस्टल पहुंची और चौकीदार से पूछा। क्या पूछा आप खुद सुनिए। तो इन सभी वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि जनजातीय छात्रावासों के हॉस्टलों के क्या हाल हैं। ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे लेक्सी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए बेहतरीन वीडियो।